रामटेक लोकसभा के शिवसेना प्रत्याशी राजू पारवे ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने कामठी विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रचार किया। शिवसेना प्रत्याशी राजू पारवे ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को उन्होंने कामठी विधानसभा क्षेत्र परिसर में रैली निकालकर मतदाताओं तक पहुँचे। इस रैली में कामठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक टेकचंद सावरकर उपस्थित थे। ये रैली अजनी पहुँची तो वहाँ के लोगों ने फटाके फोड़ राजू पारवे का स्वागत किया। पारवे ने वहां के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद लोगों से मिले। बीसीएन न्यूज की टीम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर विश्वास है। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जिस पद्धति से पिछले 6 दिनों से प्रचार चल रहा है, हर गांव हर शहर में जो उत्साह दिख रहा है, इस बार लोगों ने ठहरा लिया है कि इस बार मोदी जी इस देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और जो मोदी साहब का नारा है 400 पार वो होने जा रहा है। कुछ चैलेंज नहीं है, मोदी साहब ने जो नारा दिया है 400 पार, मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। जिस पद्धति से मैंने मेरे विधानसभा में काम किया है उसी पद्धति से मैं रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में काम करने वाला हूँ। एजेंडा मेरा खाली एजेंडा विकास का है। जिस पद्धति से इस देश के नेता विश्वगुरु मोदी साहब इस देश का जो विकास का एजेंडा लेके सामने चल रहे, उसी प्रकार से राजू पारवे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास का एजेंडा ही लेके सामने चलेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की पहली सभा हमारे रामटेक में है। हमारे पूरे रामटेक वासियों की ये सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है। और तैयारी तो मोदी साहब के नाम से ही तैयारी होती है, वो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में मोदी साहब का असर है, उसमें रामटेक एक है। कामठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक टेकचंद सावरकर ने विश्वास जताया कि राजू पारवे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लोगों की एक ही मांग है कि अब की बार 400 पार इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश का प्रतिनिधित्व करें और इस देश को जो 11 नंबर से अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे लाए हैं वो तीसरे नंबर पे आए और हमारे देश में विकास की गंगा बहे। मोदी जी का नारा है कि अंत्योदय, यानी आखिरी जो आदमी है जिसको खाने को नहीं, रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है, जिसके घर में गैस नहीं है, जिसके अकाउंट नहीं है, इस सब लोगों को मोदी जी की योजना ये मिलना चाहिए। और आखिरी आदमी को यदि मोदी जी की योजना मिलती है तो इस देश का सही मायने में विकास होगा। हमारे विधानसभा में आज एक लोकप्रिय एमएलए है, मेरे साथ 4.5 साल काम किया है और एकदम डायनेमिक पर्सनालिटी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 50,000 की लीड रहेंगी। वो लाइन से ये 1.5 साल में हमने 2,500 करोड़ के काम इस विधानसभा क्षेत्र में किए हैं और चालू है और जरूर इस विधानसभा क्षेत्र में पूरे लोकसभा से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ऐसा माहौल, ऐसी कार्यकर्ता की इच्छा है। रामटेक लोकसभा के लिए शिवसेना उम्मीदवार राजू पारवे लोगों तक पहुंचने के लिए साथ ही उनकी समस्या जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी पद यात्रा, कभी रैली तो कभी रोड शो कर जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने गुरुवार को रैली कर जनता तक पहुंचे और उनकी समस्या जानी। इस रैली के दौरान महायुति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ते उपस्थित हुए थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।